गाइस, वेलकम टू स्टडी डीप। लास्ट टाइम मैंने जो आपके लिए कंप्यूटर की सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें मैं आज सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। इसमें भी हम कुछ कंप्यूटर के बेसिक फंडामेंटल्स ही देखेंगे, लेकिन जो मैंने लास्ट टाइम आपको थ्योरी बताई थी उसको मैंने आज यहाँ पे लिख दिया है, ताकि अगर आप पिछली बार नहीं समझ पाए तो आज आप समझ जाएंगे अच्छे से। ठीक है, देख लेते हैं क्या है आज। तो मैंने आपको बताई थी जनरेशन, ठीक है। तो जनरेशन मैंने आपको बताई थी पांच थी। इसमें हम जनरेशन देखेंगे, टेक्नोलॉजी देखेंगे, लैंग्वेज देखेंगे क्या यूज़ की गई थी, करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे उस जनरेशन की और उसका यूज़ देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारी फर्स्ट जनरेशन हुई थी हमारी 1945 से 1949 तक, ठीक है। इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ ली थी हमने वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है। लैंग्वेज जो यूज़ ली थी वो थी मशीन लैंग्वेज। करेक्टरिस्टिक्स ये थी इसकी साइज़ और हाइट और कॉस्ट, जो ये तीनों थी वो बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। ज़्यादा होने की वजह से हर कोई इनको यूज़ नहीं कर सकता था, क्योंकि एक रूम की बराबर साइज़ होती थी और हीट इतनी ज़्यादा निकलती थी और कॉस्ट तो बहुत ही ज़्यादा थी, तो हर कोई यूज़ नहीं कर सकता था। इसलिए सिर्फ साइंटिफिक कैलकुलेशन में ही इनका यूज़ किया गया, ठीक है। उसके बाद सेकेंड जनरेशन आई हमारी 1959 से 1965 तक, ठीक है। इसमें यूज़ किए थे हमने ट्रांजिस्टर्स। एक ट्रांजिस्टर लगभग 40 वैक्यूम ट्यूब्स को मिला के बनाया गया, यानी कि साइज़ तो थोड़ी कम हुई, लेकिन थोड़ी कम हुई, ठीक है। इसमें लैंग्वेज जो यूज़ ली थी वो थी असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स क्या थे, इसकी साइज़ तो कम हुई लेकिन इतनी भी कम नहीं कि हर कोई इसको ख़रीद सके। बस ये है, हाँ, हीट थोड़ी कम हो गई थी, वैक्यूम ट्यूब हटने की वजह से हीट चली गई थी इसकी, कम हो गई थी, लेकिन साइज़ और कॉस्ट अभी भी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए ये सिर्फ कमर्शियल सेक्टर्स में ही यूज़ आया, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज ये क्या चीज़ है। मशीन लैंग्वेज में क्या होता है, 0 और 1 की फॉर्मेट होती है, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है, मिनोमिक्स यूज़ करते हैं हम, जैसे ऐड के लिए हम यूज़ करते हैं ऐड, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं सब। अगर एक वैल्यू हमारी ए में है और एक वैल्यू हमारी बी में है, लेट्स से ए में 5 है और बी में 6 है, तो हम लिखते थे ऐड ए कॉमा बी, ठीक है। इससे क्या होता था, जो हमारी जो वैल्यू है वो उसको जब हम रिज़ल्ट देखते थे हमें दोनों का एडिशन होके मिलता था, ठीक है। तो ये जो ऐड और सब होते हैं इनको मिनोमिक्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी थर्ड जनरेशन, जो 1965 से 1971 तक थी, ठीक है। इसमें क्या यूज़ ली टेक्नोलॉजी, इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ लिए गए जो कि सिलिकॉन चिप के बने होते हैं। ये याद रखना, मैंने आपको कल भी बोला था, जो लास्ट लेक्चर था उसमें भी बोला था कि सिलिकॉन चिप याद रखना, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। और इसी जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग इंट्रोड्यूस की गई थी, ठीक है। इसमें लैंग्वेज क्या यूज़ की गई, C, C++, जावा, ये लैंग्वेज यूज़ की गई थी जो कि हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। इसमें करेक्टरिस्टिक क्या थी कि साइज़ भी छोटी हो गई थी, कॉस्ट भी कम हो गया था, हीट तो चली ही गई थी सेकंड जनरेशन में ही, तो ये सेमी पोर्टेबल हो गए, यानी कि जैसे हमारे डेस्कटॉप होते थे, कुछ पार्ट हम उनको कैरी कर सकते थे, कुछ पार्ट कैरी नहीं कर सकते, तो ये सेमी पोर्टेबल हो गए थे, ठीक है। यूज़ लिए गए थे ये बैंकिंग और डेटाबेस में, ठीक है। इसके बाद आई हमारी फोर्थ जनरेशन 1971 से 1980 तक, ठीक है। इसमें टेक्नोलॉजी क्या यूज़ की गई, इसमें टेक्नोलॉजी आई VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और माइक्रो प्रोसेसर भी इंट्रोड्यूस किए गए थे इसी जनरेशन में। लैंग्वेज आई इसमें स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जैसे कि जावा स्क्रिप्ट, विजुअल बेसिक। बोलेंगे कि C, C++, जावा यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है, तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे हम कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो हमें जो चीज़ दिखती है, मतलब लेट्स से एक फॉर्म ओपन किया हमने, ठीक है, ऐप में, तो ये फॉर्म है, ठीक है। तो हमें क्या दिखेगा, हमें सिर्फ फॉर्म दिखेगा जिसमें हमसे नेम पूछा जाएगा, आईडी पूछी जाएगी और बाकी जो भी डिटेल्स हैं वो सब पूछी जाएंगी, ठीक है, और हम लिख देंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये हुआ जो हमें दिखा, यानी कि यूज़र डेटा, यूज़र जो देखेगा वो चीज़ डिज़ाइन की जाती है इन लैंग्वेजेस से, ठीक है। लेकिन हमने जब नाम एंटर किया,
आईडी लिखी, उसके बाद हमने एंटर प्रेस किया, उसके बाद वो डेटा कहाँ जाता है? डेटाबेस में जाता है, वो डेटा उस साइट की डेटाबेस पे जाके स्टोर हो जाता है। तो ये जो बैकग्राउंड में जो प्रोसेस होती है वो स्क्रिप्टिंग से की जाती है, ठीक है, क्योंकि हमें तो सिर्फ डेटा एंटर करना होता है, उसके लिए हमें फॉर्म चाहिए, उसके लिए हमें डिज़ाइन चाहिए, उसके वो डिज़ाइन होती है हाई लेवल लैंग्वेज से, यानी कि सी, सी प्लस प्लस और जावा से। लेकिन बैकग्राउंड में जो प्रोसेस चलती है वो होती है स्क्रिप्टिंग की थ्रू, ठीक है। ये जब प्रोग्रामिंग की जाती है तब ये चीज़ यूज की जाती है, ठीक है। उसके बाद इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या थी, ये पोर्टेबल हो गए थे, जैसे हमारा लैपटॉप हो गया, ठीक है, इनको हम कैरी कर सकते थे इजीली, ठीक है। इसमें एक चीज़ है, ये इंटेल 4004, ये मैंने क्यों लिखा है, ये वर्ल्ड का फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर है इंटेल 4004, जो कि जो कंपनी है इंटेल, इन्होंने बनाया था। ये याद रखना, क्योंकि कई बार इसे भी पूछ लिया जाता है कि वर्ल्ड का फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, तो ये है इंटेल 4004, ठीक है। इसका यूज़ क्या था, इसका यूज़ लिया गया था क्लाउड कंप्यूटिंग में। इसके बाद नेक्स्ट जनरेशन है हमारी फिफ्थ, जो अभी 1980 से अभी तक प्रेजेंट में जो जनरेशन चल रही है वो है हमारी फिफ्थ जनरेशन, ठीक है। इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ ली गई थी यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इसमें लैंग्वेज क्या आई थी, लैंग्वेज आई थी लिप्स, लिस्प और प्रोलोग, ठीक है। लिस्प क्या है, लिस्ट प्रोग्रामिंग, और प्रोलोग क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। ये किस चीज़ में यूज़ ली जाती हैं ये दोनों लैंग्वेज, ये यूज़ ली जाती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जो रोबोट्स वगैरह जो बनते हैं उनमें यही लैंग्वेज यूज़ ली जाती हैं, ठीक है। इन्हीं के ही थ्रू उनको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसकी करेक्टरिस्टिक क्या हो गई, रोबोटिक्स में यूज़ लिया जाता है, ठीक है, और यूज़ क्या हुआ इसका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ये थी हमारी जनरेशन, जो मैंने आपको कल लास्ट लेक्चर में भी बताई थी, लेकिन तब इतनी डिटेल में नहीं बताया था, आज मैंने पूरा इनका डिटेल बता दिया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, या फिर आप अगर चाहें तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना, बाद में डाउनलोड भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं आगे चलती हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, तो कुछ हिस्ट्री के पॉइंट्स भी देख लेते हैं। मैंने ये सब आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, लेकिन आज मैं थोड़ा डिटेल में आपको बता रही हूँ, क्योंकि जब मैंने आपसे लास्ट टाइम कमेंट में पूछा था कि मैं कैसे कंटिन्यू करूँ, तो मोस्ट ऑफ द लोगों ने बोला था कि आप जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था क्वेश्चन के साथ थ्योरी एक्सप्लेन करना, वैसे ही पढ़ाओ। लेकिन कुछ लोग थे जो बोल रहे थे कि पहले बेसिक भी बताइए, तो मैं इसलिए उस क्लास के जो बेसिक्स थे वो भी आज यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है हिस्ट्री में हमारा, इन 16th सेंचुरी चाइना ने एक कंप्यूटर डिज़ाइन किया था जिसका नाम था अबेकस, ठीक है। ये कैलकुलेटिव कंप्यूटर था और जिसको डेवलप किया था जॉब्स बोर्न ने। अबेकस क्या था, अबेकस में बिट्स की फॉर्म में कैलकुलेशन की जाती थी। बिट्स मतलब जैसे कि हम जब स्कूल जाते हैं फर्स्ट टाइम, हमें कैलकुलेशन करना सिखाया जाता है स्कूल में, कैसे, जैसे वो बोलते हैं अगर हमें कि 3 + 4 करना है हमें, तो कैसे करते थे स्कूल में, 1 2 3, 1 2 3 4, फिर इन सबको काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 हम आंसर लिखते थे, 7। तो ऐसे ही अबेकस में होता है, बिट्स यानी कि ये जो होते हैं एक 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 पॉइंट लिख के उनको ऐड करना, ये होती है बिट्स। तो ये होता था अबेकस में, ठीक है, समझ आया। तो अबेकस कंप्यूटर बनाया था चाइना ने इन 16th सेंचुरी में, जिसको डेवलप किया था जॉब्स बोर्न ने, और इसमें बिट्स की फॉर्म में कैलकुलेशन होती थी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर है हमारे चार्ल्स बाबेज, इन्होंने कहते हैं ना लड़कियां किसी काम में पीछे नहीं है, और यहाँ तो जो हमारी फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर है वर्ल्ड की वो खुद एक लेडी थी, ठीक है। इनका नाम था लेडी एडा अगस्ता, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, ये था हमारा फादर ऑफ कंप्यूटर और ये है हमारा फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, ठीक है। ये है हमारे एलन ट्यूरिंग, इन्होंने ट्यूरिंग मशीन का इन्वेंशन किया था और इनके नाम से एक ट्यूरिंग अवार्ड भी दिया जाता है कंप्यूटर की फील्ड में, ठीक है। तो ये कुछ हिस्ट्री के पॉइंट्स थे जो आप याद रखना।
ठीक है। कंप्यूटर है, कंप्यूटर सिस्टम सबको पता होगा। कंप्यूटर में एक मॉनिटर होता है, एक कैबिनेट होता है, एक कीबोर्ड होता है, एक माउस होता है, और ये सारों मिलके एक कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। एक कंप्यूटर के साथ एक बहुत बड़ा सा एक डब्बा होता है जिसे हम लोग सीपीयू बोलते हैं, ठीक है। लेकिन वो सीपीयू नहीं होता, वो कैबिनेट होता है, ठीक है। वो एक बाहरी ढांचा होता है, ठीक है, सिर्फ डिज़ाइन के लिए वो बना दिया गया है। एक तरह से वो एक डब्बा होता है, ठीक है। उसे सीपीयू नहीं बोलते, उसे कैबिनेट बोलते हैं, ठीक है। जब इस कैबिनेट को ओपन किया जाता है तो एक चिप दिखती है, ठीक है। एक चिप दिखती है, उस चिप पे होता है सीपीयू, ठीक है। ये जो डब्बा है ये सीपीयू नहीं होता, इसके अंदर एक चिप पे सीपीयू होता है, छोटी सी चिप होती है, ठीक है, उस पे होता है सीपीयू। ये जो सीपीयू है, इसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं, और इसको प्रोसेसर भी कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, और माइक्रो चिप भी कहते हैं। और जो इंटेल है वो माइक्रो प्रोसेसर का सबसे बड़ा निर्माता है, ठीक है। इसके बाद सीपीयू के साथ एक बस कनेक्ट होती है, यानी कि एक वायर कनेक्ट होता है। उसी के साथ सीपीयू के पास एक रजिस्टर होता है, ठीक है। रजिस्टर मैं आपको बताऊंगी बाद में धीरे धीरे कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। अभी के लिए आप देख लीजिए कि सीपीयू के साथ एक रजिस्टर कनेक्ट होता है। उसके बाद कुछ दूरी पे कैश मेमोरी होती है, और उसके बाद होती है मेन मेमोरी, ठीक है। जो मैंने आपको बताई थी मेन मेमोरी, दो टाइप की रैम और रोम, वो होती है ये, ठीक है। तो अगर कोई आपसे बोले कि सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में कौन वर्क करता है, तो कैश मेमोरी वर्क करती है। कैश मेमोरी एक तरह से बफर टाइप होता है जो टेम्प्रेरी डेटा स्टोर करता है। जैसे हम कोई भी एक्शन बार बार रिपीट कर रहे हैं हमारे लैपटॉप में या कंप्यूटर में या फ़ोन में, तो वो डेटा एक बार मेन मेमोरी से आके कैश मेमोरी में स्टोर हो जाता है। उसके बाद जब भी हम उसको नेक्स्ट टाइम यूज़ करते हैं, तो वो हम जल्दी उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब लोड होता है तो थोड़ा लेट होता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर हम यूज़ करेंगे तो फटाफट उसका यूज़ होगा। अब पर ऐसे नहीं कि आपने लैपटॉप चलाया, एक फंक्शन यूज़ कर लिया, लैपटॉप बंद कर लिया, फिर लैपटॉप चलाया, तो वो डेटा कैश मेमोरी से नहीं आएगा, वो डेटा मेन मेमोरी से ही आएगा। कैश मेमोरी टेम्प्रेरी मेमोरी होती है जो थोड़े समय के लिए ही डेटा को होल्ड करती है, ठीक है। ऐसे ही रजिस्टर भी टेम्प्रेरी होते हैं जो डेटा को स्टोर करते हैं, लेकिन रजिस्टर कैश मेमोरी से भी ज़्यादा फास्ट होते हैं, क्योंकि ये सीपीयू के ज़्यादा करीब होता है, ठीक है। तो सबसे फास्ट होता है हमारा रजिस्टर, और उसके बाद होती है कैश मेमोरी, और उसके बाद होती है प्राइमरी मेमोरी, यानी कि रैम और रोम, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ टेम्प्रेरी मेमोरी है, ये भी टेम्प्रेरी है, ये बाद में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये टेम्प्रेरी और परमानेंट दोनों होती है, ठीक है। ये जो चिप है इसको हम बोलते हैं सर्किट बोर्ड। इसके अलावा इसको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहते हैं और मदर बोर्ड भी कहते हैं। मदर बोर्ड इकलौता ऐसा पार्ट है कंप्यूटर में जहाँ पे वायरस, जो आपने नाम सुना होगा, वायरस हम बोलते हैं हमारे लैपटॉप में या कंप्यूटर में, वायरस आ गया है, हमारा लैपटॉप और कंप्यूटर ढंग से वर्क नहीं कर रहा, हैंग हो रहा है, तो वो क्या किस वजह से होता है? वायरस की वजह से, ठीक है। तो पूरे कंप्यूटर में सिर्फ मदरबोर्ड ही ऐसा पार्ट है जहाँ पे जो वायरस है वो एंटर नहीं कर सकता, ठीक है, ये याद रखना। इसके बाद ये जो मदरबोर्ड है, इसका इन्वेंशन किया था जैक किल्वी ने, और जैक किल्वी ने ही इंटीग्रेटेड सर्किट का भी इन्वेंशन किया था, जिसे हम आईसी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्यूटर का बेसिक सा नॉलेज, आई होप आपको समझ आया हो। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, व्हाट वॉज कंप्यूटर। मैंने यहाँ पे वॉज क्यों लिखा है ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में इसका एक्सप्लेनेशन दूंगी, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं व्हाट वॉज कंप्यूटर। तो क्या था कंप्यूटर? इनपुट, कंप्यूटर में इनपुट दिया जाता था, ठीक है। उसके बाद उस इनपुट को प्रोसेस किया जाता था, और उसके बाद कैलकुलेशन होती थी और हमें आउटपुट मिलता था, ठीक है। तो ये था कंप्यूटर। तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स इनपुट फ्रॉम इनपुट डिवाइस देन प्रोसेस एंड देन प्रोजेक्ट डिज़ायर आउटपुट ऑन आउटपुट डिवाइस, ठीक है।
समझ आया, इनपुट लिया, प्रोसेस किया और आउटपुट दिया, ये था हमारा कंप्यूटर। अब बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम ये क्या है? पहले ये दिया किसने, तो ये दिया था जॉन वॉन न्यूमैन ने। बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया था, ठीक है। और इस सीरीज़ में सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था? एड सेक, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज एंड ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है, एड सेक। अब इसमें क्या था, बेसिक आर्किटेक्चर में क्या था? इसमें था इनपुट लिया, प्रोसेस किया और आउटपुट दिया, ये तो हमारा जो पहले जो हमने भी पढ़ा था कंप्यूटर क्या था उसमें भी था। लेकिन अब इसमें ऐसा क्या स्पेशल है? मैंने जो आपको बोला कि मैंने बोला था लास्ट लास्ट स्लाइड में व्हाट वाज कंप्यूटर, वो मैंने क्यों बोला था? क्योंकि जो पहले हमारा कंप्यूटर था उसमें हम इनपुट देते थे, उसको प्रोसेस हो के हमें आउटपुट मिलता था, लेकिन हम उस डेटा को स्टोर नहीं कर सकते थे। वो चीज़ दी गई थी जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा, बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इसमें एक नई चीज़ ऐड की गई थी जिसका नाम था स्टोरेज। और आपको पता है अगर स्टोरेज नहीं होता तो हमारा कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप किसी काम का नहीं होता आई गेस, क्योंकि सबसे ज़्यादा आजकल जो मेन चीज़ है वो हम डेटा स्टोर करने के लिए ही यूज़ लेते हैं इनको, ठीक है। तो ये जो था ये है डिजिटल कंप्यूटर जिसे दिया था जॉन वॉन न्यूमैन ने, ये याद रखना, ठीक है। अब मैंने आपको कुछ कंप्यूटर बताए थे लास्ट क्लास में, जैसे पहला था फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर जो था एनियक, ठीक है, इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेशन एंड कंप्यूटर, इसको कैलकुलेटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेशन एंड कैलकुलेटर भी बोल सकते हो, या इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेशन एंड कंप्यूटर भी बोल सकते हो, ठीक है। इसको डिज़ाइन किया था एकर्ट एंड मोशे ने, और ये जो कंप्यूटर है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज़ किया गया था कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। इसके अलावा सेकेंड जनरल पर्पस और फर्स्ट कमर्शियल पर्पस कंप्यूटर भी मैंने आपको बताया था, जो है यूनिवैक, ठीक है, यूनिवैक, ये है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। इसको भी डिज़ाइन किया था एकर्ट एंड मोशे ने, ये मैं आपको लास्ट क्लास में भी बताई थी, लेकिन आज मैं आपको अच्छे से डिटेल में लिख के बता रही हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप अच्छे से चीज़ों को याद कर सकें और कभी ना भूलें, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट है हमारी मेमोरी यूनिट, मैंने इसके बारे में भी आपको बताया था कि मेमोरी में एक बिट होती है, ठीक है, जिसको बाइनरी डिजिट भी बोलते हैं, टाइम डिजिट भी बोलते हैं, डिस्क्रीट डिजिट वैल्यू भी बोलते हैं, और ये 0 1 की फॉर्म में होती है। 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन, ठीक है। इसके अलावा जो 4 बिट होती हैं, 4 बिट मिलके बनाती हैं निबल, ठीक है, 4 बिट इज़ इक्वल टू 1 निबल, 8 बिट इज़ इक्वल टू 1 बाइट एंड 16 बिट इज़ इक्वल टू 1 वर्ड, ठीक है। अब और भी कुछ चीज़ें बताई थी मैंने आपको, जैसे कि किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, तो वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो 1024 बाइट मिलके बनाती हैं 1 किलोबाइट, और 1024 किलोबाइट मिलके बनाती हैं 1 मेगाबाइट, जिसको मिलियन बाइट भी बोलते हैं, ठीक है। तो एम से याद रखना, एम फॉर मेगाबाइट और एम फॉर मिलियन बाइट, ठीक है। उसके बाद 1024 मेगाबाइट मिलके बनाती हैं 1 GB, यानी कि 1 गीगाबाइट, जिसको बिलियन बाइट भी बोलते हैं, और 1024 गीगाबाइट मिलके बनाती हैं 1 टेराबाइट, जिसको टेराबाइट और ट्रिलियन बाइट भी बोलते हैं। अब आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए क्या करना, एम से याद रखना मिलियन, टी से याद रखना ट्रिलियन, और बीच में आता है बिलियन, मिलियन, बिलियन, ट्रियन, ट्रिलियन, ठीक है। मिलियन इज़ मेगाबाइट, बिलियन इज़ गीगाबाइट, और ट्रिलियन मीन्स टेराबाइट, ठीक है। उसके बाद 1024 टेराबाइट मिलकर बनाती हैं 1 पेटाबाइट, जिसको क्वाड्रिलियन बाइट भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 10 पेटाबाइट मिलके बनाती हैं 1 एग्जाबाइट, ठीक है। 1024 एग्जाबाइट मिलके बनाती हैं 1 जेटाबाइट, और 1024 जेटाबाइट मिलकर बनाती हैं 1 योटाबाइट। उसके बाद 1024 योटाबाइट मिलके बनाती हैं 1 ब्रोंटोबाइट, और 1024 ब्रोंटोबाइट मिलकर बनाती हैं 1 जियोबाइट, ठीक है।
अब इनको याद कैसे रखेंगे? इतना तो हो जाएगा क्योंकि हमारे फ़ोन में भी यूज़ आती है, हम बोलते हैं KB MB GB और TB, यहाँ तक तो सबको याद होगा KB MB GB और TB तक। उसके बाद पेटाबाइट, यहाँ तक याद रखना। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे कैसे याद रखेंगे हम, ये EZY क्या बन रहा है, ये बन रहा है इजी, ठीक है, इसको बोल सकते हैं हम इजी। और यहाँ पे बन रहा है BG, जिसको हम बोलते हैं बिजी, तो ठीक है इजी बिजी, इससे याद रखना इजी फॉर एग्जा जेटा योटा और बिजी फॉर ब्रॉन्टो और जियो, तो ऐसे आप इनको याद रख सकते हैं, ठीक है। वैसे मेनली टेराबाइट तक ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन बस मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन सी होती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इनको लिख दिया है, ठीक है। अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इनको एक बार और रिवाइज़ कर सकें और याद कर सकें, ठीक है। चलें आगे, अब है हमारे कुछ क्वेश्चंस बेसिक जो हमने अब तक पढ़े हैं उनके, ठीक है। तो यहाँ पे है फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिज़ाइन बाय चार्ल्स बॉबेज, मैंने बता दिया था इसका आंसर, अबेकस नहीं, ये चाइना ने किया था, प्रोसेसर नहीं, कैलकुलेटर नहीं, एनालिटिकल इंजन। तो हमारा आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, एनालिटिकल इंजन, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ जनरेशन डिजिटल कंप्यूटर विल बी, तो एक्सट्रीमली लो कॉस्ट नो, वेरी एक्सपेंसिव नो, वर्सेटाइल नो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यस, यही हमने पढ़ा था कि फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ लिया जा रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, द ट्रांजिस्टराइज्ड कंप्यूटर सर्किट वर इंट्रोड्यूस्ड इन, तो ट्रांजिस्टर हमने कौन से जनरेशन में यूज़ लिए थे, फर्स्ट में लिए थे हमने वैक्यूम ट्यूब और सेकंड में लिए थे हमने ट्रांजिस्टर। तो हमारा आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन में यूज़ लिए गए थे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स कवर द पीरियड, तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कौन से पीरियड में आया था, 1971 से 1982 नो, 1982 से 1994 नो, 1980 से और प्रेजेंट तक, तो फिफ्थ जनरेशन चल रही है तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। 1959 से 1964 नो, उस टाइम सेकंड जनरेशन थी तो ये भी नहीं, सॉरी से 1971 यस, दिस इज़ आर आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, 1965 से 90। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ ट्रू फॉर द डिजिटल कंप्यूटर, तो मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा यहाँ पे डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं वो ज़ीरो और वन की फॉर्मेट में वर्क करते हैं, जैसे लेट्स से कोई डिजिटल वैल्यू है, यहाँ पे ज़ीरो है, यहाँ पे वन है, ठीक है। तो जब इसकी वेव बनती है तो एक ऐसे बनती है, ठीक है, या तो ज़ीरो होती है या वन होती है, ठीक है। लेकिन एनालॉग में क्या होता है, एनालॉग में ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ पे वेव ऐसे बनती है, ठीक है, ऐसे बनती है, मतलब एक सीरीज़ में चलती है बिना डिस्क्रीट हुए, बिना टूटे, और यहाँ पे ज़ीरो वन की फॉर्मेट में चलती है डिजिटल कंप्यूटर में, ठीक है। और डिजिटल कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर से ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू देते हैं और ज़्यादा फास्ट होते हैं, ठीक है। तो अब हमारे ऑप्शन देख लेते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर इज़ लेस एक्यूरेट देन एनालॉग कंप्यूटर, नो, मैंने अभी आपको बताया कि डिजिटल कंप्यूटर ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू देते हैं देन एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। तो फर्स्ट तो हो गया गलत, सेकेंड है रिप्रेजेंट्स द डेसिमल नंबर बाइनरी डिजिट, यस दिस इज़ द राइट, जीरो और वन की फॉर्म में ही डिजिटल कंप्यूटर वर्क करता है, ठीक है। तो हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, रिप्रेजेंट्स द डेसिमल नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारा, विच मेमोरी वर्क्स बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी, ये मैंने आपको बताया था, तो रजिस्टर नो, ये मेमोरी नहीं है, रैम नो, ये तो खुद एक मेन मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी नहीं, कैश मेमोरी यस, दिस इज़ आर आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेवन, कैश मेमोरी इज़ व्हाट, कैश मेमोरी हैज़ मोर कैपेसिटी देन रैम, नो, ये तो बहुत छोटी सी बफर मेमोरी होती है जो थोड़ा सा डेटा स्टोर करके रख सकती है टेम्प्रेरी टाइम के लिए, तो फर्स्ट हो गया गलत,
सेकंड फास्टर टू एक्सेस देन रजिस्टर, नो रजिस्टर से फास्ट नहीं होता ये, रैम से फास्ट होता है, तो ये गलत हो गया क्योंकि मैंने आपको बताया था सबसे फास्ट होता है रजिस्टर, उसके साथ फास्ट होती है कैश मेमोरी और उसके बाद होती है मेन मेमोरी, तो सेकंड भी हो गया गलत। सी है हमारा परमानेंट स्टोरेज, नो ये एक टेम्प्रेरी स्टोरेज है। फोर्थ है फास्टर टू एक्सेस देन रैम, यस दिस इज़ आर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कैश मेमोरी इज़ फास्टर टू एक्सेस देन रैम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है निबल इज ऑफ हाउ मैनी बिट्स, तो निबल मैंने आपको बताया था वन तो क्या होता है, वन एक बिट होती है, फोर होता है निबल, 8 होता है बाइट और 16 होता है वर्ड, तो हमारा सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज्ड सेट ऑफ बीट्स टू रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ डेटा, तो बीट्स हमने कौन सी कंप्यूटर में यूज लिए थे, तो एनियक में नहीं, एडवेक में नहीं, एनालिटिकल इंजन में भी नहीं, अबेकस, यस इसमें मैंने आपको बताया था कि बीट्स की हेल्प से कैलकुलेशन की जाती थी, तो हमारा सही आंसर हुआ यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी अबेकस। नंबर 10 है हमारा व्हाट इज़ द एब्रीविएशन ऑफ विंडोज़, हम सब जानते हैं हमारे लैपटॉप में और कंप्यूटर में हम विंडोज़ डालते हैं, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 9, विंडोज़ 10, तो सबने डाली हुई है ये विंडोज़ 8 के बाद विंडोज़ 10, सॉरी, तो ये सब सबने डाली हुई है, लेकिन विंडो की भी अपनी एक फुल फॉर्म है जो आपको पता होनी चाहिए क्योंकि हो सकता है एग्ज़ाम में आपसे पूछ ली जाए, तो विंडोज़ की फुल फॉर्म होती है वाइड इंटरैक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। ठीक है, ये है हमारा विंडोज़। ठीक है, तो गाइज़ मैंने आज यहाँ पे सिर्फ 10 क्वेश्चन ही रखे हैं क्योंकि फंडामेंटल से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन अब बचे नहीं हैं, तो अब हम आगे नेक्स्ट जब टॉपिक्स करेंगे तो हम नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ साथ चलेंगे, उनके साथ क्वेश्चन देखेंगे, अगर कोई बेसिक क्वेश्चन रह गया होगा तो मैं आगे कवर कर लूँगी। ठीक है गाइज, आज के लिए बस इतना ही, मैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नया टॉपिक लेके आऊँगी आपके लिए क्योंकि फंडामेंटल से रिलेटेड मुझे नहीं लगता अब कुछ बाकी है, अगर कुछ रहा होगा तो मैं आगे कवर कर लूँगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपको कैसा लग रहा है कंप्यूटर का ये लेक्चर, आए तो भी बताना और नहीं पसंद आए तो भी बताना ताकि मुझे पता चले कि जो मैं एफर्ट्स कर रही हूँ वो आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि सब्सक्राइबर्स भी बहुत कम हैं, बहुत से लोग वीडियो देख के चले जाते हैं और सब्सक्राइब करना पसंद नहीं करते हैं, तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बाकी वीडियोस के जो लिंक है मैं आपको ऊपर प्रोवाइड करवा दूँगी, आप वहाँ से उनको देख सकते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।